दोस्तों, आज जिस देश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ तो जानते ही होंगे। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही विकसित और सुंदर देश है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का देश माना जाता है। यहाँ की लगभग 50% आबादी के पास बैचलर डिग्री है। दोस्तों, खाली कनाडा देश में इतनी ज्यादा झीलें हैं कि अगर हम पूरे देशों की झीलों को मिलाएं तो वे भी कम पड़ जाए। कनाडा के लोग दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा चीज और मैक्रोनी खाते हैं। कनाडा की जीडीपी का विश्व में 11वां स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर एक नियम के हिसाब से डाक या कोई भी पार्सल की सुविधा रविवार को नहीं दी जाती। सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कनाडा में है। दोस्तों, कनाडा में दो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश और फ्रेंच। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर पहले कई सालों तक फ्रेंच लोगों ने राज किया था, लेकिन यहां ज्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाने वाला कनाडा दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिस पर कनाडा की जनता आग जलाकर, बियर पीकर और लाल सफेद कपड़े पहनकर सेलिब्रेट करती है। दोस्तों, दुनिया का एक फेमस स्पोर्ट बास्केटबॉल की खोज डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने की थी, जो कि कनाडा निवासी थे। उन्होंने इसकी खोज अपने कॉलेज के दिनों में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ की थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे ट्रांस कनाडा, जो कि 7604 किलोमीटर लंबा है, कनाडा में है। दोस्तों, कनाडा के लोगों का लाइफस्टाइल काफी ऊंचा है, इसलिए यह देश परिवार के साथ रहने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में घरों से ज्यादा चर्चे हैं, इसलिए इसे चर्चों का शहर भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स से बड़ा इलाका होने के बावजूद कनाडा में यूएस की केवल 11% आबादी निवास करती है। दोस्तों, कनाडा को 1982 में आजादी मिली और ये एक नया देश बना। कनाडा का अपना खुद का हॉलीवुड है, जिसे हॉलीवुड नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। कनाडा में 42 नेशनल पार्क और 167 नेशनल ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, वैसे तो हर देश का इतिहास काफी पुराना होता है, लेकिन कनाडा का इतिहास 20,000 साल पुराना है और यहाँ पर जीवन के प्रमाण के रूप में हजारों वर्ष पुरानी गुफाएं मिली है। दोस्तों, कनाडा में बहुत से पंजाबी लोग भी रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत से पंजाबी लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, जैसे यहाँ की सरकार में 2 पंजाबी मंत्री शामिल हैं। तो ये थे कनाडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।